नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी बाजार की अपडेट में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो आज देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो $1774 पर है, आधे फीसदी की तेजी के साथ, और सिल्वर $23.5 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है लगभग 1% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि सोने और चांदी में इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर बीते सत्र के मुकाबले जो प्राइसेस थे कुछ अब बढ़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल सोने चांदी की में एक हल्का सा उठाव देखने को मिला है, लेकिन ये उठाव इतना भी नहीं है कि सोने चांदी की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा तेजी बनती हुई नज़र आए। दरअसल जो डेटा निकल के सामने आया है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसका असर कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आया है। और बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि US ट्रेजरी यील्ड के अंदर एक हल्की सी नरमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सोने चांदी का जो बाज़ार है वो एक हल्का सा तेज होता हुआ नज़र आया है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या रणनीति अपनाकर चली जाए जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जाए, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो डेटा निकल के सामने आया है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का और अमेरिकी बॉन्ड का, देख रहे हैं जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर एक हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से सोने चांदी में कुछ तेजी बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से सोने और चांदी के अंदर रुक रुक के खरीदारी देखने को मिल रही है और लगातार बाजार जो है वो पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो इंपैक्ट आ नहीं रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करें तो आज देखिए, कल जो $1760 की रेंज में कारोबार करता हुआ सोना दिखाई दे रहा था, 1774 है। मैंने लगातार यही बोला है कि सोने के अंदर आप खरीदारी करके चलिए, निचले स्तरों पर जो भी लेवल्स मिलते हैं उन पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और बाइंग करना ही फायदेमंद हो सकता है। आगे फेस्टिवल सीजन की भी एक डिमांड जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। और जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से अभी लग रहा है कि विदेशी बाजारों में जो तेजी है उसका सीधा असर घरेलू बाजारों पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसलिए अभी फिलहाल बाजारों के अंदर तेजी का रुझान है। चांदी मुझे लगता है कि 65,000 तक ऊपर जा सकती है। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोना 48,000 तक एक बार ऊपर जा सकता है। तो इन स्तरों के लिए इनके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि दिवाली तक सोने चांदी की कीमतें क्या रहेंगी, क्या दिवाली पर सोना चांदी महंगा बिकेगा? देखिए, जहां तक दिवाली की बात है, दिवाली तक मुझे लगता है कि 48,000 के अराउंड जो है सोना एक बार ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। 48,000 के ऊपर के स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी नीचे रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो देखने की WTI $71 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर, WTI $81 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले एक पॉइंट लुढ़का है ब्रेंट क्रूड ऑयल, कल को $85 देखा था, आज $84 है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आ रही है जिस हिसाब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ कम देखने को मिल सकती है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी थोड़ी बहुत कम निकल सकती है, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो क्रूड की कीमतें क्या यहाँ से नीचे जा सकती है या फिर अभी भी क्रूड की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता रहेगा? देखिए, अभी कच्चे तेल की कीमतें जो है वो तेजी की तरफ ही हैं और अभी बाजार जो है पॉजिटिव है, डिमांड फैक्टर अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि कच्चे तेल की डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है। जिस तरीके से सप्लाई डिस्टर्बेशन की खबरें आ रही हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर आता हुआ हम देख सकते हैं आगे चलकर। और मुझे लगता है कि आगे अभी अपसाइड मोमेंटम कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजारों की बात करें तो विदेशी बाजारों में एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में कच्चा तेल जो है वो $82 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं WTI की बात करें तो वो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है, जो कि $85 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो वहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर, रूपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार भी ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में आया है कि कॉपर की जो सप्लाईज है वो इंपैक्ट की हुई है, जो प्रोडक्शन है कॉपर का वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स का बाजार साल के अंत तक तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ पाएगा?
देखिए बिल्कुल जो बेस मेटल है वो तेजी की तरफ ही है और आगे अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। चाइना से अच्छी खासी डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, सप्लाई में भी डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काफी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। और कॉपर में हमने इसका रिजल्ट भी देखा, 800 के ऊपर जो कॉपर निकल चुका था आज इंट्राडे में थोड़ा सा दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है और अभी लगता है कि 780 नीचे सपोर्ट है और ऊपर में 820 का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो 780 से लेकर 820 की रेंज है, तो डिप मिले तो डिप पर बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है। वहीं अगर बात करें जिंक की तो जिंक में बहुत अच्छी रैली आई है, 300 के ऊपर जिंक निकल चुकी है, अपने लाइफ टाइम हाई पर हमने इसको कारोबार करते हुए देखा है। अभी यहां से 312 और नीचे की अगर मैं बात करूं तो 300 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निकल के अंदर 1600 तक के स्तर, 1580 से लेकर 1600 के स्तर संभव है कि मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, तो बेस मेटल्स के अंदर फिलहाल खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आगे जाके नेचुरल गैस का ट्रेंड कैसा रहेगा। देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में भी काफी ज्यादा उठापटक का माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से कोयले की कमी देखने को मिल रही है, नेचुरल गैस की भी है। देखिए अभी नेचुरल गैस जो है वो काफी बाजारों में उठापटक जरूर देखने को मिली है, पीछे हमने बहुत अच्छी रैली भी आते हुए देखी और उसके बाद जबरदस्त गिरावट भी आते हुए नेचुरल गैस के अंदर देखी है। नवंबर वायदा की बात करें तो आज भी 3% लुढ़का हुआ है, तो अभी फिलहाल लगता है कि यहाँ से 380 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, 380 के ऊपर अगर नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 380 के आसपास मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे में। और वहीं अगर देखा जाए थोड़ा सा लंबा उठ लुक लें तो 360 से लेकर ऊपर में 420 की रेंज जो है वो फिलहाल बनी रह सकती है। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, अब यहाँ से फिसलन बढ़ सकती है। जी रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे आपसे, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे नॉन एग्री के जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको बेस मेटल्स में ही रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, बेस मेटल के साथ साथ आप क्रूड में बाय कर सकते हैं, सोना चांदी के अंदर भी बाय कर सकते हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर में भी गिरावट है, तो ये सारे जो अभी नॉन एग्री कमोडिटीज है सभी पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। जो भी डिप मिलती है, देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि गिरावट के अंदर खरीदारी करनी है, ऊपर बढ़ते स्तरों पर आपको बाय नहीं करना है। अभी अगर थोड़ा सा भी डिप आता है तब आप उसमें खरीदारी की रणनीति बनाएं। गोल्ड अगर आपको नीचे में 47,000 के आसपास मिल जाता है तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं, 46,800 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 48,000 तक जा सकता है। चांदी भी एज इट इज 63,000 के अगर आसपास मिलती है तो वहां पर आप बाइंग की रणनीति बनाएं और ऊपर में 65,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।